नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी में ग्रीन संकल्प कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सभी नगर निकाय प्रत्याशियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और पौधारोपण किया। पौधारोपण के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इतिहास की एक असाधारण घटना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर निकाय के पार्षद उम्मीदवार महानगर में मेयर के उम्मीदवारों ने पौधारोपण किया है। ये विकास का पौधा है, स्टॉप प्रति किए हैं कि पैर का लोगों को आश्रय देता है। वैसे ही मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में नगर और महानगर को हरा भरा स्वच्छ रखने और प्रदेश की जनता के कल्याण और समग्र विकास का संकल्प लिया। प्रदेश के समस्त नगर निकायों को एक साथ एक स्थान और एक समय में किया गया वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा के कुल 6,507 पार्षद प्रत्याशी और नगर निगम के 16 महापौर प्रत्याशियों सहित कुल 6,523 प्रत्याशियों ने एक साथ पौधारोपण कर लिया ग्रीन संकल्प। चलिए करना, मैं शुरू करूं। आज मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की एक असाधारण घटना है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी नगर निकायों के पार्षद के उम्मीदवारों ने और महानगरों में मेयर के उम्मीदवारों ने भी आज पेड़ लगाया है। ये पेड़ विकास का पेड़ है, विकास का पौधा है और इसका प्रतीक ये है कि जैसे वयस्क पेड़ कई लोगों को आश्रय देता है, कई लोग मतलब जीव जंतु पशु पक्षी इंसान को भी आश्रय देता है फल और वर्षा और छाया से, वैसे ही मध्य प्रदेश के नगरी निकाय हरे भरे होंगे, स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे, रोजगार युक्त होंगे, बिजनेस और व्यापार को और इजी बनाया जाएगा, छोटे छोटे व्यवसायियों को भी चाहे वो लोन स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत देके या स्थान सुरक्षित करके सम्मान के साथ वो अपना व्यवसाय कर सकें, आजीविका चला सकें, इसका प्रबंध होगा। हमारे शहर में शुद्ध पेयजल, सीवेज का बेटर सिस्टम, कचरे का निष्पादन, वेस्ट से वेल्थ बनाने का प्रयास, कचरे से भी सीएनजी बन रही है इंदौर में, कई जगह वेस्ट से वेल्थ बन रही है, भोपाल में भी शुरू हुआ है, जबलपुर में भी शुरू हुआ है, सब शहर वैसे बनेंगे, अत्याधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, परिवहन सुगम बनेगा और शहर के दिल में गरीबों का भी स्थान होगा। गरीबों के मकान, उनको रहने की जगह, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों भाइयों ने प्लाट लेके मकान बना लिए, वैसे अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम, आगे अवैध ना बने ये सुनिश्चित करना, लेकिन पहले जो बन गई उनको वैध करके वह सारे विकास का काम, गरीब को रहने का स्थान, शहर में अगर बाहर से मजदूर आए तो सस्ता भोजन, दीनदयाल रसोई, रैन बसेरे की व्यवस्था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त करके रोजगार युक्त बनाने का काम, गरीबों के घर, इलाज मोहल्ले के आसपास ही, पढ़ाई के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूल सीएम राइज स्कूल, अधोसंरचना का बेहतर विकास, बड़े शहरों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर,
अगर आइडियाज किसी के दिमाग में बेटे बेटी की है तो वो चिंता ना करें, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार उसमें पैसा लगाएगी वेंचर कैपिटल फंड बना के। हमारे बच्चों के स्टार्टअप चमत्कार कर रहे हैं, तो इनको भी बढ़ावा। और सुरक्षित शहर का मतलब अभी भी अपराधियों को नेस्त नाबूद किया, आगे भी करेंगे। और जो जमीन 21,000 एकड़ लिए है वो गरीबों में बटेगी। गरीबों के लिए दोनों तरह की चीजें, एक जो जहां है उसको वहां वैधानिक पट्टा देके उसको मकान बनाने का पैसा देंगे, और शहर के लिए अगर किसी स्थान की अत्यंत आवश्यकता होगी तो उनको जहां उनका काम धंधा और व्यवसाय चल सके वहां मकान देंगे। एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको हम जमीन को उतारेंगे और सारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले उसमें हमारे पार्षद और चुने हुए प्रतिनिधि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, धन्यवाद। कांग्रेस में मैं पर्चा करा दूं पहले एक सेकंड का, है ना? आप रूपचंद चीनी चेलानी जी हैं, दो बार से पार्षद रहे हैं, पिछली बार महापौर पद के प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और कटनी नगर निगम में जहां कांग्रेस के मात्र 10-12,000 वोट है वहां पिछले चुनाव में चीनी चेलानी जी ने कांग्रेस के लिए 45,500 वोट एकत्रित किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। चीनी चेलानी जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सम्मिलित हुए। मैं क्या वजह आप कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए? कांग्रेस पार्टी का संगठन और शासन किसी काम का नहीं है, उनका शासन और संगठन में कोई महत्व नहीं है, कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिलता। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बहुत मान और सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है और लगाव मिलता है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के उनके नेतृत्व में आज मैंने और बी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मैंने भाजपा ज्वाइन की है। नगर के विकास के लिए हर वार्ड हर उसके लिए भरपूर प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बड़े नेताओं के नेतृत्व में अपना समर्पण करके जी जान से मेहनत करके और उनको जिताऊंगा। जी चीनी चलानी जी के आने से 20,000 से 25,000 वोटों का सीधे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.